हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियंका एंड पैनल्स चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रियंका एंड माय नेम इज पैनल एंड माय नेम इज जॉय। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जरूरी है डिस्कस करना। और वी हैव बीन प्लानिंग अबाउट दिस टॉपिक फॉर अ व्हाइल एंड हमने काफ़ी दिनों से वी वर थिंकिंग कि इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सबकी लाइफ में होती है, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर फ्रॉम द LGBTQ+ कम्युनिटी। सो होता ये है कि बचपन से ही यू नो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, कि हमारा जैसे नर्चर होता है, हमें हमारे जैसे ही पूरा बचपन रहता है, हम बड़े होके वैसे ही बनते हैं। सो होता ये है कि मोस्ट ऑफ अस लाइक हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ लोनलीनेस एंड लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज द पीपल हु आर सराउंडिंग हु सराउंड्स अस। सो वो जरूरी नहीं है कि हर कोई इतना इंक्लूसिव हो और इतना सपोर्टिंग हो कि आपको एक हैप्पी एनवायरनमेंट मिल पाए, राइट? जैसे कि स्ट्रेट किड होता है ना, वो खेलता है, वो उसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है मोस्टली, बट एक LGBTQ+ किड के अंदर ये जंग चल रही होती है जहाँ पे उसको समझ नहीं आता कि भाई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग उसको हेटरेड कमेंट्स दे रहे हैं। तो वो क्या होता है कि दे एंड अप गोइंग इन टू इन दियर ओन शेल्फ एंड वहाँ पे ना वो खुद को सेल्फ क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं। उनका मेंटल हेल्थ पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। जिस एज में उनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, खेल कूद पे ध्यान देना चाहिए, उस एज में उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, उन्हें अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, और उनको समझ भी नहीं आती क्योंकि वो छोटे होते हैं। एंड आई हैव हर्ड केसेस वेयर पीपल हैव एंडेड देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी शुड discussing with my own experience and with Fennel's experience, we're gonna tell you certain things by which we could overcome this, we could tackle this. But ये वीडियो LGBTQIA+ kids और LGBTQIA+ लोगों के लिए तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम बना रहे हैं allies के लिए, the people who surrounds us. अगर आपके आसपास कोई LGBTQIA+ kid है, कोई feminine बच्चा है, कोई masculine लड़की है, तो आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, हाउ यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन टू मेक द अदर्स पर्सन लाइफ हैप्पी एंड प्रॉस्परस, ताकि वो ग्रो कर पाए, उसको ये सारी चीज़ें सोचनी ना पड़े। सो फैनी विल स्टार्ट। देर आर 5 थिंग्स विच यू कैन नॉट टेल, क्योंकि ये बोलते हैं कि तुम्हें हर चीज़ में 5 ही चीज़ बतानी होती है। सो मैं एक्चुअली आई वाज ट्राइंग कि मैं लिस्ट डाउन कर पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी थी और हाउ आई टैकल दैट अप, एंड कुछ हमने फैनल की चीज़ें ली। सो हम उसको हमने कंबाइन करके 5 मेन पॉइंट्स बनाए हैं जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज समथिंग विच फैनल गोना टेल, दैट इज़ फॉर दी LGBTQIA+ किड्स ओनली और फिर LGBTQIA+ पीपल ओनली। या आई मीन इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल पीपल इन अ वे, बिकॉज आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज इफ यू आर नॉट इन ट्यून विद योर सेल्फ, इफ यू डोंट एक्सेप्ट योर सेल्फ, देन यू वॉन्ट बी एबल टू रेडिएट दैट पॉजिटिविटी अराउंड यू, एंड अंदर ही अंदर यू विल फील डिसकनेक्टेड विद हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज एंड हाउ यू वॉन्ट पीपल टू सी यू। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन आप कुछ भी करें उसमें कुछ ना कुछ एक डिस्कनेक्ट रहेगा। बट फैनी, प्रॉब्लम ये है कि बच्चा एक्सेप्ट कैसे करे अपने आप को जब उसको सालों तरफ से तो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, और उसका तो वो ग्रोइंग फेज है, राइट? सो वो वहाँ पे इशू आ रहा है, बंदा अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करे। मतलब यार, पीपल कैन गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी, पीपल कैन गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ क्रिटिक, बट यू शुड नो दैट वॉट यू आर एंड वॉट यू डू इज समथिंग दैट इज ट्रू टू योर सेल्फ। आई मीन अगर वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, पीपल कैन से वॉट एवर। आई मीन इवन इफ फॉर एग्जाम्पल इवन इफ समबडी वॉन्ट्स टू वेंचर आउट न्यू बिजनेस, पीपल कैन से ऑल काइंड ऑफ क्रिटिक, पीपल कैन से गिव ऑल काइंड ऑफ कमेंट, बट यू नो दैट दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू डू एंड दिस इज समथिंग दैट विल गिव मी हैप्पीनेस एंड विल गिव मी सम काइंड ऑफ अ पर्पज, देन यू शुड डू इट। Ultimately, success will come or not, that's up to the fates. But you should give your 100% in how you are and what you do and how you see yourself. Yeah.
आई थिंक मैं अभी यही सोच रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बच्चा है राइट उसको लोग स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं या और वो घर पे आके फिर वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाता, वो अकेले बैठता है और रोता रहता है. सो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, बट आई कुडंट आई डिडंट हैव दैट नॉलेज ऑफ हाउ टू हैंडलिंग इट एट दैट टाइम. सो आई यूज टू सिट आइडल, आई यूज टू पुट माई माइंड इन ऑल दोज थिंग्स, आई यूज टू ओवर थिंक ऑलवेज. सो पहली चीज़ जो मैंने सीखी है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारा दिन बैठ के मेरे बारे में सोचे. अगर वो मेरा मजाक उड़ाता भी है तो वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, दैट्स टेम्परेरी, दैट इज नॉट परमानेंट. ओके, एंड वो अगर किसी ने कुछ मेरे लिए बोला है या मेरे बारे में बोला है या मुझे बोला है, वो मेरे से चिपक नहीं जाएगा, बिकॉज डीप इनसाइड आई नो दैट वॉट आई एम डूइंग इज राइट, वॉट आई एम डूइंग इज करेक्ट. इट इज नॉट समथिंग जो कि गलत है. इट इज नॉट समथिंग जो कि आउट ऑफ दी नेचर नेचुरल थिंग है. दिस इज वेरी मच नेचुरल. और ये वाली बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सामने वाला अगर हमें कुछ बोलेगा भी ना तो हमें लगेगा यार क्या तुच्छ आदमी है, इसके पास कुछ काम नहीं है क्या. लेट मी फोकस ऑन माई सेल्फ, लेट मी ट्राई टू ग्रो, लेट मी पुट ऑल दोज एफर्ट्स टू मेकिंग माई सेल्फ अ बेटर पर्सन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन ऑल दीज थिंग्स. और दूसरी चीज जो मेरे साथ हुई थी वो अच्छी जो मैं कहूँगा फैनी इज कि सिंस अभी क्या है कि स्कूल में आपको सब लोग इतने अच्छे से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स होंगे नहीं आपके पास ज़्यादा, मतलब इन माय केस आई डिडंट हैव मच फ्रेंड्स. और बच्चे को समझने में भी टाइम लगता है, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ LGBTQIA+ समथिंग समथिंग भी होता है. सो मुझे ये पता ही नहीं था है क्या, मुझे नहीं पता था. बट उसके बाद भी एक बच्चे को पता नहीं है कि वो क्या है, उसके बाद भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है बिकॉज ही इज फेमिनिन. सो दैट इज समथिंग जो आपके साथ जिंदगी भर चलता है, आई अग्री. बट उसका एक फायदा हुआ कि मुझे किसी बर्थडे पार्टीज पे नहीं जाना, मुझे किसी के साथ खेलने नहीं जाना. सो आई मेड बुक्स माई बेस्ट फ्रेंड्स, राइट. मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई में दिया था. और उसके बाद एक पॉइंट आया जब आके लोग मेरे पास वापस से आने लगे, एंड दे वर लाइक कि हाय प्रियांक यार ये पढ़ा दे, वो पढ़ा दे, ये कर दे, वो कर दे. हाउएवर वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए आए थे. डीप इनसाइड उनको भी ये था कि हाँ ये इसके साथ घूमेंगे तो लोग ऐसा बोलेंगे और वैसा बोलेंगे. एक्चुअली वही, बिकॉज देन यू स्टार्टेड रेडिएटिंग दैट पॉजिटिविटी विद इन यू एंड अराउंड यू. You felt so self-confident that attracted people. Mm-hmm. And people wanted to get affected by that glow. तो ग्लो के लिए तो मैं यू नो गाइस उसका ग्लो मत दिखाओ. सो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और दूसरा मैं इसी के अंदर एक छोटा सा चीज़ और बोलना चाहूँगा, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो क्या बोलते हैं, व्हेन यू नो दैट देर आर पीपल जो आपको आप फैमिली फंक्शंस भी हो रहे हैं तो आपको वो बोल देंगे कि ये तो लोग आए हैं, ये है, ये खाना बनाता है तो ये ऐसा है, तो आप कहीं फैमिली फंक्शन में भी नीचे जाने का आपका मन नहीं करता, आपका लगता है मैं अकेले ही रहूँ, भाई मैं ऐसे डांस करूँगा वैसे डांस. नाउ द थिंग इज द बेस्ट पार्ट इज जो लोग आपका मजाक उड़ाता है ना, कुकिंग करनी नहीं आती, वो कुकिंग करता है, ये लड़कियों वाले काम करता है, यार आप ये देखना कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे उन्हें ऐसी सिचुएशन में वो होंगे जहाँ पे उन्हें खाना बनाना पड़ेगा और उन्हें आता ही नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड दैट. और तो उस केस में वो उन्होंने जो आपका मजाक उड़ाया था ना, वो फिर शायद सेल्फ रियलाइज खुद करेंगे, आपको उन्हें जाके कुछ रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है. द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस इन व्हाट यू आर डूइंग. कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दो उन, और अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना तो आपका चेहरे पे जो एटीट्यूड होगा उनको देखने का, आपका चेहरे पे जो एक कॉन्फिडेंस होगा उनको देखने का, सो उसके बाद वो खुद ब खुद ऐसे हो जाएंगे कि यार इसको तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट. सो दैट इज वन थिंग विच आई थिंक. और एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, जब मैं पहली जॉब में था ना वहाँ पे आई वॉज नॉट ओपन, सो मेरे को बहुत क्रिटिसिज्म और बहुत सेल्फ डिप्रेशन हो गया था, लिटरली मेरे को डिप्रेशन हो गया था. हाँ उस टाइम पे तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया था, मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत परेशानी है. बट जैसे ही मैं दूसरी जॉब में आया, आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ, आई वॉज ओपन अबाउट इट. सो मैंने देखा था रिस्पॉन्स फ्रॉम दी पीपल, बिकॉज जब वो देखते हैं यार ये खुद को कितनी अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती वो आपका मजाक उड़ा सके, राइट. जब अगर मानो आपको कोई बोलता है कि अरे तू गे है क्या, तू लड़की है क्या, हाँ यार तू मैं हूँ, तुझे भी बनना है क्या, सो आई कैन ट्रेन यू, सो लाइक दैट आई यूज टू आंसर दैट वेज.
सो लाइक समटाइम्स समबडी यूज्ड टू से अरे तेरे को दर्द नहीं होता, मैंने कहा नहीं तू भी करा तेरे को भी नहीं होगा. सो व्हेन आई स्टार्टेड आंसरिंग दोस पीपल इन दैट वे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उन्होंने मेरे से बकवास करना छोड़ दिया. यू अंडरस्टैंड दैट, बट ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जगह सबसे लड़ना है. कभी कभी बिकॉज सुना देना माय केस आई व्हेनेवर पीपल ऐसे कमेंट्स लेकर आते थे मैं इग्नोर ही कर देता था. एक कान से घुसा के दूसरे कान से निकालना, आई मीन मैं ज्यादा वो भाव नहीं देता था. एंड अल्टीमेटली वो दूसरा बंदा भी थक जाता था कि इसको तो कुछ अफेक्ट ही नहीं हो रहा. द सेकेंड पॉइंट वी वुड लाइक टू मेक इज कि when you are feeling lonely and when you get that negativity in your mind, in your thoughts, you know, you should find something to do. Because idle mind, jaise bolte hai na, idle mind is a devil's workshop. Workshop? Main humne to itna hai, khali dimag shaitan ka ghar hai. Workshop bana diya, house bolo. The muhavra is idle mind is the devil's workshop. Because devil is then doing things in your mind. Na? He's cooking up things, he's making some schemes. So basically, you have to engage yourself with something, some hobby, some, you know, this is a very cliche thing to say, but it will help you in your mental growth. You have to engage yourself, don't sit idle, don't overthink, don't, you know, khayali pulao mein ulaj jao, and do something. Like, for us, even vlogging, I mean, especially for you, vlogging is a medium through which you have engaged a lot with yourself and utilize your time in such an amazing way. Yes. And it can be anything. It can be taking a walk, even painting, drawings, music, movies, anything. Engage yourself. Do something. Engage yourself in something which you like, which can give you happiness, so that जो negativity आपके आसपास है, उसको cut करने के लिए आपके पास खुद की एक self positivity आए और लोग आपको automatically तारीफ करने पड़ेंगे या लगेंगे कि कितना hard working बंदा है, कितना creative है. जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे शायद वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, और अगर उड़ाते भी है तो हमें फर्क नहीं पड़ता. तुम करते रहो, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम्हें ये करना है. बिकॉज आई एम नॉट गोना पुट माय माइंड, आई हैव ओनली वन माइंड, आई कैन यूटिलाइज इट इन ईदर इन बीइंग प्रोडक्टिव और ईदर इन थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स विच यू आर ट्राइंग टू यू नो से टू मी टू मेक माई लाइफ हेल. मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को क्या मजा आता है लोगों का मजाक उड़ा के. सो या यू आर राइट फैनी. सो इंगेज, और जैसे फैनी ने बोला ना व्लॉगिंग, मैं व्लॉग्स क्यों बनाता हूँ, मेरे को व्लॉग्स बनाने से आई फील सो सेटिस्फाइड. मेरा हमेशा से ही मन करता था, मुझे कैमरा बहुत पसंद है, मुझे बोलना बहुत पसंद है, तो व्लॉगिंग से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है. और तुम मुझे अभी भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्या कि कितना टाइम है इसके पास बैठ के व्लॉग बना रहा है और कुछ भी कुछ भी. लेकिन मुझे पता है व्लॉगिंग से मेरी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन मिली है. और हमें दिन निकलते ही एक होता है दिमाग में कि हमें हाँ अपने ऑफिस के काम को प्रायोरिटाइज करना है, बट कहीं ना कहीं व्लॉगिंग से हम अपने पूरे डे को वो कर पाते हैं, क्या बोलते हैं फैनी, रास्ता दे पाते हैं, डायरेक्शन दे पाते हैं. सो थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर दी पीपल हु आर अराउंड यू, दिस इज फॉर यू गाइज हु आर अलाइज. सी पहली चीज, आई नो 90% पीपल, 90% नहीं, मैंने जितने भी लोगों से मिला हूँ यार, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग आपको होमोफोबिक मिलेंगे, और मोस्टली लोग क्या होते हैं, वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके होमोफोबिक हो जाते हैं. ऐसा मैंने देखा है कि एक दोस्त ने स्कूल में मजाक उड़ाया, अरे ये तो लड़की जैसा है, तो बाकी दोस्त भी उस लड़की जैसे दोस्त के पास उसे फ्रेंडशिप करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि अरे तू कैसे लड़के के साथ घूम रहा है. सो ये इन्फ्लुएंस होते हैं. सी अगर आपके पास कोई भी है, चाहे आपका दोस्त कोई भी है, आप दोस्ती किस बेसिस पे करोगे, किस इंसान के करेक्टर के बेसिस पे करोगे, किसी इंसान की अच्छाइयों के बेसिस पे करोगे, ना कि उसके कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, व्हाटएवर इट इज, राइट. इन सब चीजों के बेसिस पे आप दोस्ती नहीं करोगे, पहली चीज. और दूसरी चीज, अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है, सो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग विद दैट पर्सन. अगर कोई सामने वाला कुछ आके बोलता है, तो आप जैसे मेरा फ्रेंड था एक, वो उसके सामने कोई अगर ऐसा कभी बोलता था, तो वो जाके उससे लड़ पड़ता था कि तू जानता है इसको, तेरे को पता है कुछ, तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बोलने की. सो अगर आप सपोर्ट करोगे ना, आपके आसपास के बच्चे वो फ्यूचर हैं यार, किसी की जान जा रही है हमारे डिस्क्रिमिनेशन से, हमें किसी को बुरा फील करा के क्या मिल रहा है. सोशल मीडिया पे लोग इतना कमेंट्स करते हैं लोगों के प्रोफाइल्स पे, वो बच्चे इतना क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट एंड डांस करते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर लेते जाके, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बैठ के सिर्फ कमेंट्स कर रहे हो ना, व्हाट आर यू डूइंग. सो ट्राई टू मेक एन एनवायरमेंट अराउंड यू
विच इज इंक्लूसिव, विच प्रोवाइड्स पीस, विच प्रोवाइड्स हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरीवन, और आपको अच्छा लगेगा, लिटरली बिलीव मी, आपको अच्छा लगेगा जब आपके, जब अगर 100 लोग किसी इंसान का मजाक उड़ा रहे हैं और आप अकेले आके उस इंसान को सपोर्टिव फील कराओगे, और आपको जब पता चलेगा आपकी वजह से वो इंसान अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ गया, उसको आपने जो मेंटल सपोर्ट दिया था उसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर गया, आपको भी अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको खुद से फील होगा कि आप यस आई एम बीइंग रियली गुड, आई एम अ गुड पर्सन, राइट? सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक विच ईच एंड एवरी वन शुड कीप इन देयर माइंड. नाउ वॉट पेरेंट्स शुड डू इज समथिंग विच फैनी इज गोना टेल इन दिस पॉइंट ओनली. सो पेरेंट्स को अपने बच्चों को व्हेन दे सी देयर किड इज फेमिनिन और देयर गर्ल इज मैस्कुलिन और दे आर नॉट बिहेविंग इन अ जो भी वो हेट्रोनॉर्मेटिव सोसाइटी का एक बनाया हुआ पगदंड है उस पे नहीं चल रहे हैं, सो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? या बट सो दिस नेक्स्ट पॉइंट इज मोर अप टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड वी वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इज द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हाउ टू रेज अ चाइल्ड, इट्स देयर राइट in what way a parent needs to raise their child, no doubt about that. But when you see your child is a bit lonely, is not interacting very much, is sensitive, is bahar ja ke khel nahi raha bachcho ke sath aur bachcho ki tarah itna vibrant nahi hai, so instead of, you know, what most of the parent tend to do is give tough love ki isko thoda aur strong banana hai, if I act tough he may you know be strong, be more independent, but this may not be the case for the child. Child will see only toughness, he may not see the love in it. So dusra, when you see your child is a bit in secluded ya within himself, try to create an environment where he can open up to you, where he can share things with you, and you know, give that gentle touch. That's why I think most LGBT kids relate with their mother, because you know, obviously mothers are a bit more emotional, a bit more nurturing than fathers, and you know, utilize that and take that as an opportunity to make that child open up to you. And this obviously school mein bullying bhi hoti hai, and if you get a sense of maybe in the school environment this is something is happening with him, children are not behaving with him properly, then you have to take a stand, you have to go to the school and you know discuss this with the teachers, highlight this issue with the children involved and take a stand for your kid. This will do wonders for the mental health for the child, because they will see my parents are there for me, they are standing up to me, they are standing with me. What do you like to say? सी स्कूल वाली बात के लिए मैं बोलूँगा कि जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा आपको हर चीज़ बताए, बिकॉज ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को खुद लगता है कि यार मैं इसको कैसे बताऊँ कि स्कूल में मेरे मजाक उड़ा रहे हैं बिकॉज मैं लड़कियों की तरह हरकत करते हैं, मैं फेमिनिन हूँ. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मेक हिम कम्फर्टेबल टू यू नो सो दैट ही कैन या टू शेयर थिंग्स विद यू सो दैट यू कैन नो वॉट इज गोइंग इन हिज लाइफ. और दूसरी चीज, हमारा बेटा चाहे एलजीबीटी से है, चाहे हमारा बेटा स्ट्रेट है, चाहे हमारा बेटा जो भी है, हमारा बीइंग अ पेरेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बेटा लाइफ में सक्सेसफुल बने, हमारा बच्चा बेटा है वो बेटी है, हमारा बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल बने. वो सक्सेसफुल बनने के लिए हमें बहुत मेंटल पीस, फिजिकल पीस, फिजिकल हेल्थ सब कुछ चाहिए. एंड ही गेट्स द नेसेसरी लाइफ लेसंस, राइट? सो उसके लिए आपको पहली चीज तो उसको सपोर्ट करना, दूसरी चीज अगर घर में भी आप उसके सिबलिंग्स हैं या कजन्स हैं, अगर आप कभी भी देखते हो कि कोई उसको अलग से फील करा रहा है या कोई उसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, गो कन्फ्रंट दैट पर्सन, उसके पेरेंट्स से बात करो. और मे बी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाके आपको उसको सुनाना है, आप प्यार से समझाओ, बिकॉज वो भी बच्चा है, उसको भी नहीं पता, उसने जो दूसरों से सीखा है. हमारे यहाँ ये पैट्रियार्टिकल सोसाइटी जो है ना, जहाँ पे एक मर्द को मर्द ही बनाने में लगे हुए हैं सब लोग, और जो नहीं है उसमें ढलता तो उसको बोल देते हैं कि अरे ये तो मीठा है, यू अंडरस्टैंड दैट? सो इससे क्या होता है ना, आपने तो बोल दिया, आपका एक सेकेंड का बोलना हुआ उस बच्चे की लाइफ पूरी, वो यही सोचता रह जाएगा यार ये होता क्या है, मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं मेरे अंदर कमी क्या है, ये सारी चीज़ें ना वो बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो अडल्ट नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है. लेकिन आप बीइंग अ पेरेंट, यू हैव टू गो, यू हैव टू टेक स्टैंड, यू हैव टू बी विद योर चाइल्ड, और इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपने उसको इस धरती पे लाने का प्लान किया था, उसका डिसीजन इस धरती पे लाने का नहीं था. अब जब वो आ गया है, वो जैसा भी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी मेंटल हेल्थ इतनी इंप्रूव होगी ना, वी कांट टेल यू
क्योंकि मेरे को एक लाइफ एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा. जैसे मैं छोटा था तो मैं मुझे मेहंदी लगाने का थोड़ा शौक था. सो कोई भी फंक्शन होता था तो मैं करवा चौथ या मम्मी के हाथ पे मेहंदी लगाता था. मम्मी मेरे से बोलती थी. सो एक बार मम्मी नीचे दिखाने गई थी ताई जी वगैरह को, तो किसी ने बोल दिया था कि अरे ये तो लड़कियों वाली हरकतें करता है. तो मेरे को पता चला, तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम मैंने लगाने से मना कर दिया. तो वहाँ पे पापा बैठे हुए थे, पापा ने मेरे को बोला कि अरे ये तो आर्ट है, इसमें क्या हो गया, वही कुछ भी बोलता रहे. वो एक छोटा सा कहना उनका, और एक्चुअली में वो आर्ट ही तो है, वो तो कोई भी कर सकता है यार. सो ये यू डोंट हैव टू लाइक ओवर डू इट. आपका एक डायलॉग भी आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ को कितना सुधार सकता है. मैं आज तक मुझे वो चीज़ याद है, और आई फील सो ग्लैड दैट माई पेरेंट्स वर सपोर्टिव. उनके अंदर कोई ये नहीं था कि हमारे अपने बेटे को तो हमें भैया पूरा युद्ध में ही लड़वाना है, राइट. So I hope that this point, I mean, we could give some highlights. So, the last point you like to say is, you know, loneliness is a very tough thing to deal with, and there are a lot of people in the world being affected with it, and it's very tough to come out of this hole. But we hope that these small points we are giving, from that, a little bit, you get help. And last point, we would like to say that for the LGBT people. You know, reach out to people. There are online forums, there are LGBT events, there are you know, social gatherings where you can meet like-minded people and interact with them. You know, this will really benefit you, help you in you know, finding your niche, finding your close-knit group. Also, you know, don't focus on online bullying, and don't focus on what negative comments people give you, because you know, we have met a mother who lost her son due to this online bullying, and it's very sad to, you know, hear their experience and, you know, see a potential life getting wasted. So I would say, you know, reach out to such people, find out where such events are happening in your city, and connect with people. Yeah. दूसरा पॉइंट इज जॉय, जो यार बस अपनी छोटी सी प्रेजेंस देके भी हमारी लाइफ में इतनी खुशी देता है. मेरी लाइफ में ज्यादा देता है. हां, तो क्योंकि बिकॉज़ मैं ऑफिस चले जाता हूं. मेरे को बता रहा हूं. मेरे को मैं ऑफिस चले जाता हूं. इसका वर्क फ्रॉम होम होता है मोस्टली. सो ये घर पे अकेला ही होता है. सो इन अ वे ही हैज टू डील विद दीस टॉपिक लॉट मोर देन मी. एंड यू नो जॉय हैज हेल्प्ड अ लॉट, स्पेशली बिकॉज़ pets give you that love, pets give you that nurture, and you also get that opportunity to, you know, take care of something, take care of his food, his life, and his habits, and you engage and you feel positive. Right. What do you like to say? See, मैं इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, बिकॉज इनिशियली जब मैं और फैनल साथ में शिफ्ट हुए थे तो फैनल रोज ऑफिस चला जाता था. नाउ आई यूज टू फील रियली लोनली, और अब आप सारा दिन तो फ़ोन नहीं कर सकते हो बिकॉज द पर्सन इज वर्किंग. सो अब कितनी देर ही आप बात करोगे फ़ोन पे भी, दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो नाउ पहली चीज़ जो है, एक तो मैंने जॉय को लेने का डिसीजन यही लिया था. इनिशियली मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी जॉय को लेने के बाद, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी पेट के साथ रह रहा हूँ. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई फेल दैट यार मेरी लाइफ वंडर्स में बदल गई है बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस ओनली. आई मीन वो चाहे आपसे बोले ना बोले, बट यू नो दैट घर में कोई है, घर में दो लोग हैं, यू फील दैट, राइट. सो उससे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, और हमारा बॉन्ड भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है जॉय के आने से. वो चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरी चीज़ जो फैनल बोल रहा था, गोइंग टू इवेंट्स, एंड सो देर आर इवेंट्स लाइक जहाँ पे यू नो लिटरेचर इवेंट्स है, फेस्ट है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं वेयर यू विल, इफ़ यू आर एट दैट एज दैट यू कैन गो, और यू टेक पार्टिसिपेशन इन, यू पार्टिसिपेट इन सच थिंग्स वेर यू कैन शो योर टैलेंट. जैसे कि मैंने कभी एक बार पोएम रिसाइट किया था किसी LGBTQIA+ इवेंट में, लोग डांस करते हैं. आप लोग सीखो, आप लोग अपने, जब आप देखोगे ना कि अपने जैसे लोग हैं हु आर एडुकेटेड, हु आर ग्रोइंग, एंड देन दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स, देन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑफ एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, एंड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑफ यू नो बी
who you are. So by these words, we would like to say that we love you guys. Thanks for all the support which you have given us. Yes. And ये वीडियो बहुत मेरे दिल के काफी करीब है, इसलिए हम बना रहे हैं. और हमारे पास टाइम इतना नहीं था, बिकॉज फाइनल हैज टू गो ऑफिस एंड आई हैव टू ऑल्सो स्टार्ट माई डे. सो दैट्स वाई हमने पहले से प्रिपेयर किया था इसके लिए, एंड देन टूडे वी आर जस्ट शूटिंग इट एंड वी आर गोना पोस्ट इट. एंड वी लव यू सो मच. Lots of love from Priyanka and Fennel. And like, share, and subscribe. Bye.